हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और अभी बज रहे सुबह के 9, तो स्वागत है आप सभी का। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज साहिल लगा हुआ है काम पे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा कुछ भी ऐसा मन नहीं हो रहा था। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मुझे चक्कर भी आ रहे थे, तो बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो उसने चेंज की हुई है, और साथ में पर्दे भी चेंज करने थे तो वो लगा हुआ है। सच में यार, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। वो मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करता है कि इतनी ज़्यादा केयर करता है, वो कुछ भी होता है तो बोलता है मम्मी रहने तो मैं कर लूँगा करके बोलता है। और उसको नहीं पता था कि वीडियो शूट हो रहा है, तो बाद में बोल रहा था मम्मी आपने बताया नहीं, और उसने बनियान पहनी हुई थी। तो उसका होमवर्क वगैरह ख़त्म हो गया था, और संडे था तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी। और मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, जो बाहर का काम है, जो पोछा वगैरह जो लग चुका है, कपड़े धुल गए मेरे, और बस अब मैं खाना बनाऊँगी। तो काम निपटाने निपटाते कुछ 10 बज गए हैं, तो मैं फटाफट से खाना सिंपल से बनाना है, क्योंकि मुझे सिर दर्द हो रहा था, उसकी वजह से मुझे आ रहे थे चक्कर। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ जो जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने दाल चढ़ा दी, आटा गूंद के रख दिया है। और मैं अभी तड़के के लिए लहसुन और प्याज छिलके और कट करके कंप्लीट करूँगी, और दाल एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 3-4 मसालों से ही बनाऊँगी। और आटा वगैरह मैंने गूंद के रख दिया है। और मंडे को हमारे यहाँ पे हरियाली अमावस्या होती है, और उस दिन सोमवती अमावस्या भी होगी, तो उस दिन हमारे यहाँ पे त्यौहार होता है, और हमारे घर पे कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं फटाफट से तड़के के लिए प्याज लहसुन तैयार कर लेती हूँ। पे लहसुन को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, और साथ में थोड़ा जीरा और जो साबुत मसाला है वो है, और जो मसाले हैं वो मैंने सिर्फ हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर ही लिया है। गरम मसाला मैं दाल में नहीं डालूंगी। और ये पापड़ है, ये हमने घर पे बनाए, होममेड है, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने मिलके बनाए हैं हम लोगों ने। ये उड़द की दाल और चने की दाल को मिक्स करके जो आटा बनाया था उसके हैं। तो साथ साथ में रोटियाँ भी बनाती जाऊँगी, और दाल भी मेरी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी, कि दाल मैंने पहले ही बॉइल कर ली है। मसाला रेडी हो गया है मेरा दाल का, और साथ में रोटियाँ भी रेडी हो गई है। तो ये आज का छोटा सा ब्लॉग है, मेरा मन नहीं था, फिर जब बना लेती हूँ तो जब तक रोटियाँ कंप्लीट होगी तब तक दाल में भी बॉल अच्छे बन के रेडी हो जाएगी मेरी। तो दाल भी बन गई है, अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ। तो ज़्यादा मसाले नहीं डाले, फिर भी इसका कलर इतना अच्छा आता है, तो मसाले ज़्यादा नहीं डालती मैं दाल में। और